स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है और कल आपके यहाँ आके लेक्चर में पहले अपने आप ये काउंट करना है, बाद में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जितनी बार समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हो। लेट मी सी कंसेप्ट ऑफ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस में क्या होता है कि आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट चढ़ा के गुड सेंड करते हो, परफॉर्मा इनवॉइस में आईपी लिखते हो, कंसाइनी को ओनर को मालूम ना पड़े, वो उसमें पर्पस होता है। दो जगह पे प्रॉफिट रिमूव करना है, एक गुड सेंट के सामने, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक के सामने। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ओवरराइडिंग कमीशन का है। ओवरराइडिंग कमीशन का क्वेश्चन में जो लाइन दिया है वो आपको गोल्डन पीरियड के मैसेज की तरह बार बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। एपीसी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय, पेज नंबर 6.72 निकालो, सामने रखो। मुंबई का अजय है, विजय को गुड्स सप्लाई कर रहा है। अजय कंसाइनर, विजय कंसाइनी। सोल्ड एट आईपी व्हिच रिप्रेजेंट 125% ऑन कॉस्ट। आपको बोला था आईपी से बेचना और कॉस्ट का 25% आईपी है, 100 25 IP 125 IP 125 IP का 10% IP का 10% excess realize over the IP यानी sale realize यानी sale value realize over the IP ये आपका IP है। आईपी से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ, आईपी से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ उसका 25%, आईपी से जितना ज्यादा रियलाइज हुआ एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी उसका 25%। दीदी क्या बोला है, एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी, रियलाइज यानी सेल वैल्यू, ये आईपी उसका 25%। Expense on freight and insurance incurred by Ajay 10,000. Freight है आपका 10,000, expense Ajay का है। The account sales received by Ajay, this is यानी विजय ने send किया है। विजय has affected sales 1 lakh. Sale है वो 1 lakh है। Entry क्या होगी, विजय to consignment. विजय to consignment. In respect of 75% of consignment, कितना सेल किया है 75%, कितना सेल किया है 75%। He the selling expense reimbursed with 8,000. उसके सेलिंग एक्सपेंस है वो भी हमें उसको पे करना है 8,000. Consignment to Vijay. Consignment to Vijay. 10% of consignment goods of value 12,500 destroyed in fire at Delhi Godown. Let me see, 10% पे कितना है 12,500. पेपर से पढ़ो, यही क्लू है, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये नहीं पढ़ोगे तो घूम घूम के घर चले जाओगे। 10% of consignment goods of the value यानी 10% है वो 12,500 है destroyed इन गोडाउन। ये हमने जो गुड सेंड किया था ना वो 10% है, वो गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ है। अज्यूम दैट इज द आईपी ओनली, कंसाइनी को आईपी मालूम है। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, 10% पे 12,500 तो 100% पे कितना, 10% का है 125, 10 पे 12,500, 100 पे 125,000। Consignment account debit to goods sent on consignment 125,000. Vijay remitted the balance in favor of Ajay. बाकी बचा वो सेंड कर दिया। Consignment account बनाइए और Vijay account बनाइए। Let me see. सबसे पहले यहाँ पे 10% पे 12,500 तो 100 पे 125, it is including profit। देखो यहाँ पे cost है 100, profit 25, IP 125, IP से divide किया, profit से multiply किया, तो आपका reserve
ऑडियंस क्वेश्चन आ जाएगा 25,000। उस तरीके से समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो 125 पे 100 पोस्ट है तो 1,25,000 आईपी होगा तो पोस्ट कितना होगा 1,00,000। उसका 25% करोगे तो लोडिंग आ जाएगा 10% दिया है वो आईपी है फ्रेंड्स, रिमेम्बर दैट। आप गपला करोगे ही आईपी दिया 12,000 लिख के आई जाओगे। आपको मैंने कल भी बताया था एब्नॉर्मल लॉस कॉस्ट से बुक होता है आईपी से नहीं। सिर्फ आईपी दो ही जगह पे आता है, गुड सेंट एंड क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे भूल जाते हैं, जल्दी में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, देखो अलग अलग रास्ते हैं। आप ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ प्रॉफिट, ये आईपी, ये प्रॉफिट आ गया कॉस्ट। 1,00,000 कॉस्ट है उसका 10%, 1,00,000 कॉस्ट है उसका 10%, यानी 10,000 योर पोस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस प्लस अजय एक्सपेंस 10,000 है उसका भी 10%, 1,000 टोटल 11,000 पीएनएल टू कंसाइनमेंट, एब्नॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, 10% लॉस 12,500 दिया है वो आईपी है, वो आईपी को आप पोस्ट में कन्वर्ट करो। 12,500 है उसको 100 divided 125 करो तो भी हो जाएगा। यहाँ पे अदरवाइज टोटल कॉस्ट फाइंड किया, आईपी माइनस प्रॉफिट 1,00,000 का 10% 10,000, अजय का प्रमोशन एक्सपेंस है 10 को 1,000 टोटल 11,000। एवरीथिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी 15% कहाँ से आया, 100 माइनस 75 सेल माइनस 10% लॉस, 85 परसेंट लॉस को 15 बचेगा तो आपका टोटल कॉस्ट 1,00,000 है उसका 15% यानी 15,000। आपको अभी तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक को प्रीडेट करना है, 15,000 का 25% 8,750 18750 आईपी हो गया, 3750 यहां पे सामने रिजर्व आ गया। अजय के 15% एक्सपेंस एड किया 20,000 टू 10,000 है उसका 15% एड करो 20,000 टू 50, ये हुआ आपका इन्वेंटरी। यहाँ पे 3750 कहाँ से आया, टोटल लोडिंग 25,000 है उसका 15% करो तो भी आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 1,00,000 है उसका 15% स्टॉक पड़ा है उसका 25% करो तो भी आ जाएगा। तो 3750 आपका स्टॉक रिजर्व है, कंसाइनमेंट टू स्टॉक रिजर्व, 2,000 आ रहा है पीएनएल में ट्रांसफर होगा, पीएनएल टू कंसाइनमेंट बैलेंसिंग फिगर, रिमेनिंग अमाउंट रेमिट कर रहा है बैंक टू विजय, बैंक टू विजय। ट्रेडिंग कॉन्फिगरेशन डिवाइड मेन पॉइंट, सबसे पहले 10% गुड लॉस था, 10 पे 12,500, 100 पे 125 यानी लोडी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25 आईपी 125 पे 25 देख 25 पे कितना लोडिंग 25 आ गया। अभी आपको इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बाकी है वो फिर से रिवाइज कर दो, दैट इज द ओवरराइडिंग कमीशन। व्हाट इज द ओवरराइडिंग कमीशन, देखो आपने यहाँ पे सेल लिख दिया 1,00,000, आपको दो कमीशन है नॉर्मल एंड ओवरराइडिंग। सेकंड लाइन भी फिर से पढ़ो, 10% ऑन सेल दिया है, सेल सेट आईपी दिया है, 10% ऑफ सेल सेट आईपी दिया है तो सबसे पहले आईपी 125 टोटल है, 75% सेल हुआ है उसका 10% 93,751 कमीशन, सभी को समझ में आ जाता है। ओवरराइडिंग के लिए क्वेश्चन फिर से पढ़ो, एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी, एक्सेस रियलाइज ओवर द आईपी, रियलाइज कितना है 1,00,000, कितना है 1,00,000, आईपी कितना है 96,750, उसका डिफरेंस निकालो उसका 25% करो, कहाँ से आया 96,750,
देखो यहाँ पे आप टाइपिंग फाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, 75% करोगे तो 93,750 आ जाएगा। टोटल आईपी 125 है, 75% सेल किया है तो उसको आप 93,750 का 10%, और सेल हुआ है 1 लाख में, आईपी है 93,750। आईपी से जितना ज्यादा मिलेगा ना उसका 25%, 1,550, 10,938, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। यहाँ पे 10% पे 12,500, 100 पे 125, 25 25 125, लोडिंग सेल दिया हुआ है। टोटल का 75% का 10% कमीशन, प्लस इससे जो ज्यादा मिला उसका 25% कमीशन, और आपको एबनॉर्मल लॉस है उसकी कॉस्ट फाइंड करना है। 125 तो आईपी है, 25 लोडिंग लेस करो, 1 लाख कॉस्ट आएगा उसका 10%, अजय के एक्सपेंस का 10%, 11,000 एबनॉर्मल लॉस, 15% स्टॉक में है, 1 लाख का 15%, प्रॉफिट का भी 15%, प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है इफेक्ट रिमूव करने के लिए, प्लस अजय के एक्सपेंस का भी 15%, ये फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा और सामने आपको रिजर्व लिखना रहेगा। जितने बार मैं एक्सप्लेन करूंगा मुझे ऐसा लगे अभी भी कम है, अभी भी कम है, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन करो तो डाउट है तो मुझे पूछो। बने रहे मेरे साथ, हर एक क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।